सेकेंड इनिंग्स एडुकेशन यूट्यूब चैनल और मैं अशोक कुमार साहब आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के ऊपर अंतिम क्लास करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ जीरो। हाँ, इसमें हम लोग जीरो को काउंट करना सीखेंगे प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो होते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे। और यह बेहतरीन क्लास होने वाला है, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि चार क्लास बेहद इंटरेस्टिंग था और बेहद महत्वपूर्ण था, यह अंतिम क्लास है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो समय बर्बाद किए बगैर हम लोग काउंटिंग ऑफ जीरोस की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ जीरोस। इसमें मैं आपको यह कंसेप्ट को समझा दूं कि जीरो काउंट करना है, कैसे काउंट करना है। पहले मैं कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। सपोज आपके पास दो है, गुने पांच है। अगर दो और पांच को गुना करेंगे तो दस आएगा, तो इसका प्रोडक्ट आया दस। तो इस प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो है, आपसे यह भी पूछेगा कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 × 5। मतलब दो और पांच को अगर हम गुना करते हैं तो उसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। अगर यही में 20 गुने पांच कर दूं तो 20 बचे 100। यहां अंत में एक शून्य, यहां पर अंत में दो शून्य। अगर मैं यही 20 गुने 50 कर दूं तो यहां 20 बचे 100 और एक जी, यहां पर अंत में 3 जीरो। तो आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा है कि प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो हैं, बीच में, पहले, ये सब जीरो से उनको कोई काम भाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो शुरुआत करते इसमें कई तरह के आपको टाइप मिलेंगे, उस टाइप्स को मैं बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और अंत तक बने रहिएगा। क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाला और बेहद ही मनोरंजन से भरपूर होने वाला, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है। तो शुरू करते हैं, आसान तरीका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं। ये सवाल है एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, छह गुना, ऐसे करते 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 हम लोग को 20 तक जाना है। यानी 1 से लेकर 20 तक जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन सबको हम लोग गुना कर देंगे अंत में कितना जीरो आने वाला है। तो आसान तरीका, ये सब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो इसके लिए एक आसान तरीका है, जो अंत में दिया हुआ है उसी को 5 से डिवाइड कर देंगे। 20 बचे, ठीक है, यहां 20 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौका 20, कितनी बार में गया, 4 बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां अंत में 4 जीरो है। अगर ये 4 5 से छोटा है तो और इसको आगे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो और हम लोगों को आगे डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ती। जैसे कि इस सवाल में देखते हैं, दो नंबर में आप जैसे देखिएगा, 80 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कहां तक चला जाएगा, 79 80, 80 तक चला गया। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये 16 बार में जाएगा। पुनः इस 16 को, चूंकि यह 5 से अधिक है, 16 को 5 से फिर से डिवाइड करेंगे। देखिए 5 3 15, ये कटने वाला नहीं है, भले ही मैं इसे लिख दूं काट कर, ये कटने वाला शेष बचेगा। हम लोग को शेष से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 3 19, यानी बोला जा सकता है अंत में 19 जीरो आएंगे। संख्या क्या होगी, कितनी बड़ी होगी, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, बस हमें यह निकालना है कि अंत में कितने जीरो होंगे इस प्रोडक्ट के अंत में। फिर से एक बार बता दो, देखिएगा इसको मैंने 5 से 20 को डिवाइड किया, 4 बार में गया, चूंकि ये छोटा था इसलिए मैंने उसको फिर से डिवाइड नहीं किया। लेकिन 5 से 80 को डिवाइड किया, 16 बार में गया, फिर से 16, चूंकि 5 से अधिक है फिर से 16 को मैं डिवाइड करूंगा, 5 3 15, रिमाइंडर 1 बचा, उससे हमें लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ी और बड़ी संख्या पे आते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूं 5 से,
बिल्कुल वही रूल धीरे धीरे टाइप बदलने वाला है। ये देखिएगा 20 बार में जाएगा, इसी 20 को मैं फिर से डिवाइड करूंगा क्योंकि वो 5 से अधिक है तो ये 4 बार में जाएगा। अब ये 5 से छोटा हो गया, अब ये 5 से छोटा हो गया तो बस जोड़ हो जाएगा 20 और 4 जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी 24। अगर ये 5 से अधिक होता तो हम लोग इस बार फिर उसको भाग देंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक जीरोस की कुल संख्या हो जाएगी 24 अगर प्रोडक्ट करते हैं तो। अंत में 24 जीरो आपको देखने को मिलेंगे। और बड़ी संख्या 500 क्या 1000 ले सकते हैं, 5000 ले सकते हैं, देखिए और बड़ी संख्या 500 को मैं 5 से पहले डिवाइड करूंगा। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बेहतरीन ट्रिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 100 बार में जाएगा, रिमाइंडर बच जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को क्वेश्चन से मतलब है भागफल से। अब ये 100 देखिएगा अधिक है, 5 से अधिक है, भाग दे देंगे 20 बार में जाएगा, ये 20 5 से अधिक है तो यानी 20 को फिर से 5 से भाग दे देंगे 4 बार में, क्योंकि ये 5 से अब कम आ गया, अब भाग देने की आवश्यकता नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं 1 से लेकर अगर 500 तक जाएंगे तो अंत में 124 जीरो मिलेगा, यानी कुल जीरो की संख्या 124 हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं इसकी एक खासियत है टाइप वन में, जो भी टाइप लेकर आऊंगा प्रत्येक टाइप की एक खासियत है, समझने और समझाने में दोनों को मुझे भी फायदा होगा, मुझे भी सहूलियत मिलेगा और आपको भी। देखिए कंसेक्यूटिव है, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव है मतलब क्रम से आ रहे हैं, एक से शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे टाइप बदलेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न भी बदलेगा, बस बने रहिएगा। बस आसान सा तरीका आपको मैंने बता दिया, अंतिम को डिवाइड करते जाना 5 से, अगर वो डिवाइड करने के बाद भागफल जो 5 से अधिक आ रहा फिर से डिवाइड करेंगे, फिर अधिक आ रहा फिर से डिवाइड करेंगे, अब जब तक कम ना आए तब तक डिवाइड करते जाएंगे, सभी को जोड़ देंगे। अब हम लोग टाइप 1 से ऊपर उठकर टाइप 2 पर आते हैं। अब हम लोग टाइप 2 को देखते हैं, लगभग लगभग टाइप 1 के ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है। आपसे पूछेगा फैक्टोरियल 5 में अंत में कितने शून्य होंगे, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और यही सवाल तो मैंने आगे तक पूछा है। अगर यही चीज फैक्टोरियल 5 की जगह फैक्टोरियल 10 दे दे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे हम लोग कहां तक जाएंगे, 10 तक। तो अभी तक अभी जो मैंने टाइप 1 में आपको सिखाया है 20 तक, पहला क्वेश्चन याद कीजिए 20 तक था, यानी इसको बोल सकता है फैक्टोरियल 20। उसके बाद मैंने सिखाया 80 तक, उसको बोल सकता फैक्टोरियल 80। उसके बाद मैंने सिखाया 100 तो फैक्टोरियल 100। उसके बाद मैंने सिखाया 500 तो फैक्टोरियल 500। ये पूछने का नया तरीका है, बनाने का तरीका सेम रहेगा। जैसे फैक्टोरियल 5 यानी 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, अंत में जीरो की संख्या 1 हो जाएगी। फैक्टोरियल 10 आ जाए तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये 2 बार में जाएगा, क्योंकि ये सब अभी 5 से छोटे हैं तो यही आंसर हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 20 रहता तो आप देखिएगा वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का था, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे ये 4 बार में जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है। अगर फैक्टोरियल 50 रहा तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे ये 10 बार में जाएगा, चूंकि ये 5 से अधिक हो गया तो 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हैं, यानी यहां पर जीरो की संख्या 12 हो गई। थोड़ा और कुछ दूसरी संख्या को देख लीजिए, फैक्टोरियल 67 दे दिया, थोड़ा हटकर सब सोचेंगे कि यह सब आसान आसान नंबर ले लिया गया, कुछ नहीं है, 67 डिवाइडेड बाई 5 13 बार में जाएगा। मैंने बोला था ना शेष से कोई मतलब नहीं है, 13 बचे
65। अब इस 13 को पुनः डिवाइड करेंगे 5 से, 5 गुना 10, 3 से बचा कोई मतलब नहीं है, 13 और 2 15, यानी अंत में 15 शून्य होंगे, अंत में 15 शून्य होंगे। एक सवाल और ले लो, 98, कुछ भी, इसका मतलब क्या, फैक्टोरियल 98, इसका मतलब वही चीज, 1 × 2 × 3 × 98, ऐसे चलते जाएंगे। तो 98 डिवाइडेड बाय 5, 19 बचे 95, 19 बचे 95, 3 से बचा छोड़ देंगे, 19 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया है 15, अब ये भाग नहीं जा पाएगा, तो 19 और 3 जोड़कर हम लोग लिख देंगे 22। बोल सकते हैं कि ये क्यों नाम का टाइप 2 है, बिल्कुल टाइप 1 के जैसा है, लेकिन अंतर क्या है कि क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न उसने बदल दिया है। पहले उस तरह से पूछा करता था, अभी भी पूछ सकता है, लेकिन अब अधिकतर उसके पूछने का ढंग कुछ ऐसा हो गया है। तो चले आते हैं टाइप 3 में। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 में, वो टाइप 1 टाइप 2 थोड़ा सा और आगे बढ़ गया टाइप 3 में, मतलब सवाल वही रहेगा, आधार वही रहेगा, फिर से क्वेश्चन को उसने पूछने का अंदाज बदल दिया है। आप देख सकते हैं अभी आपने पढ़ा था 1 2 3 ऐसे चला जा रहा था, 50 तक, 100 तक, 1000 तक, जहां तक दे आप उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार उसने पूछा 10 20 30 40 50, ऐसे होते होते यहाँ 100 तक, उसी तरह से 10 20 30 40 50, ऐसे होते होते थे यहाँ 500 तक, यहाँ थोड़ा सा जीरो की संख्या और बढ़ गई है, 100 200 300, ऐसे होते 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 ये 2000 तक, और यहाँ 100 200 300, ऐसे होते होते 10000 तक। तो करना कुछ नहीं है, प्रत्येक से एक जीरो निकाल लेंगे, अगर प्रत्येक से एक जीरो निकाल लेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना, 1 × 2 × 3 × ऐसे होते 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 हम लोग 10 तक आ जाएंगे। ये हमारा बेसिक सवाल हो जाएगा, और ये जब हो जाएगा तो हमें दिखाई देगा हम लोगों ने कितना जीरो निकाल लिया। तो देखा जाए, यहां से एक शून्य, यहां से एक शून्य, यहां से एक शून्य, ऐसे करते करते कुल कितनी संख्या आ गई, 10। तो 10 शून्य हम लोगों ने अलग से निकाल लिया, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसमें 10 अलग से जोड़ देंगे। फिर से एक बार बताओ, आप देखिएगा यहां से अगर आप एक शून्य निकालते, यहां से एक शून्य निकालते, यहां से एक शून्य, फिर 40 से, 50 से, 60 से, 70 से, 80 से, 90 से, 100 से, सभी से आप एक एक शून्य निकालते हैं, तो उतना गिनने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे देख लेंगे ये 1 से 10 है, यानी आपने प्रत्येक से अगर एक शून्य निकाला तो 10, और इसका तो टाइप 1 हो गया, यानी 10 डिवाइडेड बाई 5 आया 2। अब यह भाग नहीं जा पाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10 + 2, यानी 12, यानी अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 20 30 ऐसे 100 तक, तो अंत में 12 जीरो आएगा। बेस देखिए यही है टाइप 1, इसमें थोड़ा सा नया चीज जोड़ दिया गया है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो इसको देखते हैं, अगर इससे एक शून्य एक शून्य एक शून्य ऐसे निकालते चले जाते तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे होते होते यहां पर अंत में मुझे 50 की प्राप्ति होगी, यानी बोल सकते हैं 1 से लेकर यहां पर 50 तक बेसिक आ गया। तो यहां पर सभी संख्याओं से आपने एक शून्य निकला तो कुल यहां तक आपको 50 संख्याएं मिलेंगे, 10 20 30 40 50, ऐसा होते होते 500 तक आपको 50 संख्या, यानी प्रत्येक संख्या से एक एक शून्य आपको मिल जाएगा। अब 50 को आप नेचुरल जैसे बनाते आए हैं, 5 से भाग देंगे ये 10 बार में जाएगा, फिर 10 को 5 से भाग देंगे ये 2 बार में जाएगा, यहाँ तो 12, लेकिन टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 12 प्लस यहां से 50, 12 प्लस 50 62, यानी हमारे प्रोडक्ट के अंत में शून्य की संख्या 62 हो जाएगी। 50 अलग से हमें मिल गया क्योंकि 1 2 3 ऐसे होते होते यहां पर 50 जीरो, सभी से आपने एक एक शून्य निकाला। ऐसा मत कीजिएगा कि यहां पर 2 शून्य है तो हम 2 निकालेंगे, सभी से हमें इक्वल अमाउंट ऑफ जीरो
उसको विथड्रॉ कर लेंगे, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से 50 हो गया और बाकी ये 12 आप अच्छी तरह से टाइप 1 सीख लिए हैं। चले आते हैं इसमें से, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, इसमें से आपको दो दो जीरो निकालना पड़ेगा तब जाकर सवाल 1 2 3 यानी फंडामेंटल बेसिक पे आएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे आप दो दो शून्य निकाले 1 × 2 × 3 × ये पहुंचते पहुंचते × 20 पे आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि यहां से लेकर 20 तक कुल 20 संख्याएं होंगी। अगर एक संख्या से हम लोग दो शून्य निकालते हैं तो 20 संख्या से हमें 40 शून्य की प्राप्ति होगी। जैसे यहां पर प्रत्येक संख्या से हम लोग एक एक निकाले तो 10 संख्या से 10 शून्य, यहां से प्रत्येक संख्या से हम लोग एक एक शून्य निकाले तो 50 संख्या से 50 शून्य, लेकिन यहां पर प्रत्येक संख्या से हम लोग दो दो शून्य निकालते हैं तो 20 संख्या से 40। और आगे बेसिक तरीका 20/5 4 भाग नहीं जा पाएगा तो आंसर हो जाएगा 40 और 4 44, यानी अंत में शून्य की संख्या 44 होगी। थोड़ा सा और बड़े स्तर पे आ जाते हैं, यहां पर 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य ये 2 शून्य, जरूरत पड़े तो 3 शून्य का भी सवाल दे सकता, बस बेसिक पे उसको ला देंगे। तो सवाल कुछ ऐसे होगा 1 × 2 × 3 × ऐसे अंत में देखिएगा ये 100 बच गया है, यानी 1 से लेकर यहां तक कुल कितनी संख्या हो जाएंगी 100। 1 से लेकर यहां तक कुल संख्याओं की संख्या 100। यदि प्रत्येक संख्या से हम लोग दो दो शून्य निकाले हैं तो 100 × 2 = 200। अब ये 100 को हम लोग नेचुरल तरीका जो फंडामेंटल तरीका भाग दे देंगे ये हो जाएगा 20, फिर 20 को हम लोग 5 से भाग दे देंगे ये हो जाएगा 4, ये हो गया 24। यहां तक तो 24 है और जैसे हम लोग टोटल निकालने जाएंगे तो 200 + 24 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 224। बिल्कुल नया सब तरीका है और बेहद आसान है, बोल सकते हैं सभी का बेस मैंने एक जैसा रखा है, 1 × 2 × ऐसे बढ़ते चले गए हैं, कंसेक्यूटिव रखा है, पूछने का तरीका उसका अलग था, ठीक है ना। टाइप 1 हुआ, टाइप 2 हुआ, टाइप 3 हुआ, सब में एक ही आधार देखने को मिला। चले आते हैं टाइप 4 में, अब बारी है टाइप 4 की। अगर मैं बोलूं कि ये भी टाइप 1 पर ही बेस्ड है तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको देखने से लगेगा अरे ये तो 20 से शुरू है, अभी तक सर जितने भी सवाल बताए थे वो सब तो 1 से 2 से 3 से शुरू है, तो ये इसको भी हम लोग उसी आधार से बनाएंगे। देखिएगा बेहतरीन है, बस वही बोलूंगा अंत तक बने रहिए। 121, 122, 123 ऐसे करते करते हम लोग 200 तक जाएंगे तो अंत में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंत में कितने शून्य होंगे। और एक दूसरे सवाल 317, 318, 319 जो मन में आया मैंने लिख दिया, 1207, 1300 जो मन में आया मैं लिख सकता, एग्जाम में भी जो मन में दे सकता 1207 तक। अगर इसको हम गुणा करते हैं संख्या का प्रोडक्ट क्या होगा वी कांट से, बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन अंत में कितना शून्य आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए मैं मेथड को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 × 2 × 3 × ऐसे करते 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 मैं 120 लिख, ये हो गया हमारा सवाल। अब ये सवाल देखिए पूरा हो गया, यानी 1 से लेकर 200 तक सबसे पहले आप निकाल लीजिए और उसमें से 1 से लेकर 120 तक कितने शून्य होंगे वो निकाल कर घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ने यूनिक सीरीज ऑफ नंबर्स में सीखा था, यूनिक सीरीज ऑफ नंबर का क्लास आप देखिएगा तो हम लोगों ने ऐसे ही कुछ सीखा था। तो चलिए हम लोग 200 तक को देखते हैं, 200 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से, ये 40 बन जाएंगे, 40 को डिवाइड करता हूं 5 से, ये 8 बार बन गया, 8 को पुनः डिवाइड करता हूं 5 से, ये 1 बार बन जाएगा, यानी यहां तक शून्य की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 49, 40 8 48 और 49, यानी अगर आपसे कोई पूछे 1 से लेकर 200 तक जितने भी नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर उनका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो अंत में कितने शून्य
होंगे। ये हो गया 49। अब इसको यहां से 120 तक लेकर चले आते हैं, तो 120 को डिवाइड करता हूं मैं 5 से, ये 24 बार में जाएगा। फिर 24 को डिवाइड करता हूं 5 से, 5 चौका 20, ये 4 बार में जाएगा। ये 24 4 28 हो जाएगा। 5 से 24 बचे 120, 5 से 5 चौका 20, 4 से 6 बच गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 49 हमें टोटल में मिला था, 28 यानी हमारा किस हिस्सा में मिला था, ये हिस्सा बाद चला जाएगा, घटा देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 21, यानी 121 से लेकर 122, 123, 124 ऐसे हम करते हुए अगर 200 तक पहुंचते हैं तो अंत में प्रोडक्ट के अंत में शून्य की संख्या 21 होगी। एक बड़े सवाल को और देखते हैं, जैसे ये 317 से 1207 तक है, यानी इसमें पहले का संख्या अधूरा है, पूरा कर लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे करते करते हम लोग यहां पर आ जाते हैं 316। ये बस अंतर स्पष्ट करने के लिए था, यानी हमें निकालना 317 से 1207, क्यों हम लोग 1 से लेकर 1207 तक का निकाल लें और उसके बाद 1 से लेकर 316 तक निकालकर घटा दे, बिल्कुल इसी प्रोसेस के तरह, तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। चलो मैंने रैंडमली डेटा ले लिया 1207 भाग देंगे, 5 गुना 10 2 बचा, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 241 बार ले लिया, 5 गुना 10 ठीक है, वैसे देख सकते हैं 2 गुना 5 चौका 20, उसके 241 को मैं पुनः 5 बार में भाग, 5 से भाग, 5 चौका 20, 4 बचा 1 उतरेगा, 5 बटी 40, इतने बार में गया। फिर मैं 48 को भाग देता हूं, 5 9 45, फिर मैं 9 को भाग देता हूं, एक बार में जाएगा, यानी हमारे पास यहां टोटल कितना मिला, 1 8 9 9 9 18 18 1 19, 5 4 9 9 और 2 299, कुल हम लोगों को कितना मिल गया, 299 ठीक है। तो यहां तक हुआ, फिर वही प्रोसीजर यही अपना देते हैं, 316 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, 5 6 30, 1 आया 5 3 15, 63 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, 12 5 60, फिर 12 को हम लोगों ने डिवाइड किया 5 से, 5 गुना 10, यहां देखेंगे 63 12 75 75 2 77। अब हम आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारे पास शून्य की संख्या 299 और यहां पर 316 तक 77 है, घटा देंगे 2 2 2, यानी कुल शून्य की संख्या 222 हो जाएगी अगर हम लोग 317 से लेकर 1207 तक के प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ये था टाइप 4, ये भी टाइप 1 पर ही बेस्ड है। देखिए टाइप 1 क्या करता है, 1 से शुरू होना चाहिए, ये भी 1 से शुरू हुआ, हालांकि ये 20 से शुरू हुआ लेकिन हम लोगों ने सवाल को कन्वर्ट कर दिया 1 से। तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, नाउ दिस इज द टाइम टू कम इन टाइप 5। अब बारी है टाइप 5, ये भी कुछ नया नहीं है, इसका भी बेस टाइप 1 पर ही आधारित है, यानी टाइप 1 आपका फंडामेंटल है, अगर उस पर कमांड हट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आगे आप कुछ नहीं सीख पाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये 1² है, 2² है, 3² ऐसे होते होते 10² है, और ये 1² है, 2² है, 3² है, ऐसे होते होते 50². अब देखिए बाएं तरफ स्क्वायर दिखाई दे रहा और दाहिने तरफ क्यूब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, बेसिक ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। यहां पर 10 है, अब भूल जाइए कि स्क्वायर क्या हुआ है, तो 10 तक आप ऐसे समझो 1 × 2 × 3 × कहां तक है 10 तक, आप 10 को डिवाइड कीजिए, 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, ये 2 बार में जाएगा, तो आंसर लिखते समय ये स्क्वायर है
इसको 2 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। सिमिलरली अगर क्यूब होता तो इसको 3 से गुणा करते, पावर 4 होता तो 4 से गुणा करते। देखिए अभी भी बेस टाइप 1 है, इसको देखते हैं यहां पर 50 है तो 50 को 5 से डिवाइड करते हैं 10, 10 को पुनः 5 से डिवाइड करते हैं 2। अब ये तो भाग नहीं चल पाएगा 12, तो चूंकि स्क्वायर है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 20, यानी 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आपको 50 स्क्वायर, यानी अंत में प्रोडक्ट में शून्य की संख्या 24 होगी। अब थोड़ा क्यूब पर आ जाते हैं, ठीक बेस 1 को याद कीजिए 20 है, 20 को 5 से डिवाइड कीजिए मात्र 4 बार में ही जाएगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो क्यूब से गुणा कर देंगे, यानी 3 से 4 दिया पिछले में स्क्वायर था तो 2 से गुणा करते थे, क्यूब है तो 3 से। फिर यहाँ 100 तक देखते हैं तो 100 को डिवाइड करते हैं 5 से 20 आ जाएगा, 20 को डिवाइड करते हैं 5 से 4 आ जाएगा, अब भाग नहीं जा पाएगा ये 24 हो गया। अब यहाँ क्यूब है तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं 24 या 72, यानी 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ऐसे अगर 100 क्यूब तक जाते हैं तो अंत में प्रोडक्ट में हमें शून्य की संख्या 72 प्राप्त होगी। इसका भी आधार बिल्कुल वही टाइप 1 था। अब बारी आती है टाइप 6 की। टाइप 6 को देखते हैं, लेकिन इनको बताने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी आपको बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं अगर 10 का पावर 1 है तो अंत में 0 की संख्या 1 होगी, अगर 10 का पावर 2 है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2, अंत में शून्य की संख्या 2 हो गई। जैसे 10 के पावर को 1 लिखेंगे तो अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी 1, 10 के पावर 2 लिखेंगे 100 तो अंत में शून्य की संख्या 2, 10 का पावर 3 रहा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो अंत में शून्य की संख्या 3, 10 का पावर 4 ले लेते हैं तो इसको हम लोग 10,000 लिखेंगे अंत में शून्य की संख्या 4। थोड़ा सा ये हट कर बेहद आसान है, बस समझने के ऊपर है, क्योंकि जब दो संख्याओं का बेस सेम होता है तो लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस के नियम से उनके पावर जुट जाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 15 और 17 32, यानी यहाँ जीरो की संख्या कितनी होगी 32, यानी यहाँ जीरोस हो जाएंगे 32। इसको देखते हैं यहाँ भी बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा 31 और 39, 10 का पावर 70 यानी यहाँ जीरो की संख्या 70 हो जाएगी, परंतु यहाँ बेस समान नहीं है और हम लोगों को बेस समान करना होगा। इसका बेस 100 है, इसका बेस 1000 है, तो सभी को हम लोग 10 के बेस पे लेकर ही आना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है और उसके ऊपर पावर 2 होती है, 1000 जो होता है 10 का पावर 3 होता है यानी क्यूब होता है और उसके ऊपर 5 आ गया। अब दोनों के बेस को हम 10 के रूप में बदल दिए, अब इसको हम ठीक कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर 2 × 2 4 हो गया और ये 3 × 5 15 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह हो गया, पहले और दूसरे की तरह हो गया। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 10 का पावर 19 यानी अंत में शून्य की संख्या 19 हो जाएगी, 19 जीरोस। शून्य की संख्या 19 हो जाएगी। इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहां पर देखिए 100 और यहां पर 1000 है तो इसको सबसे पहले 10 का स्क्वायर लिखेंगे पावर 6, इसको सबसे पहले 10 का क्यूब लिखेंगे पावर 3, अब ये हो जाएगा 2×6=12। उम्मीद करता हूं ये सब पता ही होगा, और ये 3×3=9, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे 10 का पावर 12 और 9 21, यानी 0 की संख्या 21 हो जाएगी।
जीरो हो जाएंगे आपको। और इस सवाल को देखिए थोड़ा और बड़ा हो गया, घबराने की कोई बात नहीं, बस कोई 10 के रूप में ला देना है, ठीक है ना। मैं सवाल में जितने वेरिएशन दे सकते हैं काउंटिंग ऑफ जीरोस के ऊपर मैं सब लाने की कोशिश किया हूं। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपके बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि आप कभी भी कहीं डगमगा ना पाए। तो इसीलिए मैंने तरह तरह के टाइप्स लेकर आया हूं, ठीक है ना, उसको देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। जैसे ये 10 के रूप में है, इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको 10 का क्यूब लिखेंगे, ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये भी 10 का स्क्वायर हो गया क्योंकि पावर 2 होगा, यहां पर स्क्वायर के पर स्क्वायर। अब देखेंगे ये वही का वही रहेगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 4 12। अब देखेंगे 10 का 2 6 8, 8 और 12 20, यानी जीरो की संख्या 20 हो जाएगी, जीरोस की संख्या 20 हो जाएगी। यानी ये जो टाइप 6 था, टाइप 1 से थोड़ा सा हटकर है, टाइप 1 से ये हटकर है। अब देखते हैं हम लोग टाइप 7 को, जो थोड़ा इस पर आधारित होगा। टाइप 7 एक बेहतरीन सवाल है, धीरे धीरे सवाल का स्टैंडर्ड उठ रहा है, और एक बेहतरीन टाइप का सवाल एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। तो इस सवाल को समझाने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, इस कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखूं 2 × 5, ये नंबर सिस्टम का बेहतरीन कंसेप्ट है, आएगा 10। अगर मैं लिखूं 2 × 5, 2 × 4, 5 × 25, आएगा 100। अगर मैं लिखू 2³, यहां लिखू 5³, तो 2³ 8 होता है और 5³ 125 होता है। अगर इसको मैं गुणा करूं तो ये 1000 आएगा। तब एक चीज देख सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्यों ना इसको मैं 2³ 1, 5³ 1 लिख दूं। तो आप देखिएगा कि अगर यहां पर सभी का पावर 1 है तो शून्य की संख्या 1 है, इन दोनों का पावर 2 है तो शून्य की संख्या 2 है, इन दोनों का पावर 3 है तो शून्य की संख्या 3 है, इसी तरह से इन दोनों का पावर अगर 4 होगा तो शून्य की संख्या 4। जब तक इन दोनों का पावर बराबर है तब तक तो ये बेहतरीन है, लेकिन अगर मैं पावर को थोड़ा चेंज करूं, ऐसे आपको लग रहा है कि ये शून्य इनके पावर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन थोड़ी एक बात है, बात क्या है, अगर मैं 2 का पावर 4 कर दूं और 5 के पावर को मैं 2 कर दूं, तो 2 का पावर होता है 4 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 अगर 16 का गुना करूं, ठीक है, 400 आता है, तब शून्य की संख्या 2 आ गई। तो अब आपको नजर आ रहा है कि किस पर डिपेंड किया, 5 पर डिपेंड किया। तो आपको लगेगा कि पहले ये 2 और 5 पर डिपेंड करता था उनके पावर पर, अब किस पर डिपेंड किया, 5 पर। लेकिन इसी चीज को मैं थोड़ा बदल दूं, अगर मैं रख दूं 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3, ज्यादा बड़ी संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 का पावर 2 4 होता है और 5 का पावर 3 125 होता है, 125 × 4 500 आता है, तो यहां पर भी शून्य की संख्या 2 आई। इस बार 2 कहां है, 2 के ऊपर, पिछले बार 2 आया था लेकिन 2 कहां था, 5 के ऊपर। तो एक फाइनल, ठीक है, जो हमें नोट्स की प्राप्ति होती है, यानी जो कंक्लूजन मिलता है, उस कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं कि ये जो शून्य की संख्या है वो मिनिमम नंबर ऑफ पावर्स पर डिपेंड करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पावर्स या इंडेक्स बोल सकते हैं, ये जो पावर होगा जिसका कल होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो ये कंसेप्ट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो इसके ऊपर सवाल बनाने में हमें सुविधा होगी। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारा देश दो और पांच के रूप में आए। हमेशा ये नंबर सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको हम लोग आठ को दो के रूप में तोड़ते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 8 हो गया और ये 11। इसको हम लोग 5 के ऊपर तोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर और ये हो गया 11। ये हो जाएगा 3 × 11 = 33 और ये हो जाएगा 2 × 11 = 22। आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 का पावर 33 है और 5 का पावर 22 है। तो मिनिमम कौन है? 5 वाला यानी 22। अंक जीरो की संख्या हो जाएगी 22 zeros, 22 zero हो जाएंगे। अगर समान है, जैसे आप देखिएगा यहां समान है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन असमान है, कभी 2 का बेस पावर ज्यादा है कभी 5 का पावर ज्यादा है, तो हम लोग कम वाले को देखेंगे। आप यहां देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसका पावर 30। इसका लिख सकते हैं 5 का पावर 3, तभी तो 125 आएगा, इसका पावर 20। ये हो जाएगा 2 का पावर 60, ये हो जाएगा 5 का पावर 60। यहां पर दोनों का बेस समान मिला, दोनों का पावर समान मिला, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 zeros, यानी इसके एंड प्रोडक्ट में शून्य की संख्या 60 होगी। और एक सवाल को थोड़ा देख लिया जाए, इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 4, तभी 16 होगा और उसका 15। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4, तो 5 का पावर 4 625 होता है और ये 25। ये हो जाएगा 2 का पावर 4 × 15 = 60 और ये हो जाएगा 5 का पावर 4 × 25 = 100। यहां देखेंगे 2 की पावर 60 है और 5 के पावर 100 है, तो मिनिमम कितना है 60, इसलिए शून्य की संख्या यहां में 60 हो जाएगी। ये सब हमारा आंसर, ये एक नया टाइप है। टाइप 7 अभी समाप्त नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने टाइप 7A लिखा है, यानी 7 में मैंने जो आपको सिखाया कि अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पावर्स, उसी का इस्तेमाल आजकल दूसरे ढंग से किया जा रहा है, पूछने के तरीके को उसने बदल दिया है। अब वो ये भी तो पूछ भी सकता है कि जैसे 7 में लिखा कि अंत में कितने जीरो हैं, लेकिन हम ये पूछ सकता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके प्रोडक्ट में कितने डिजिट्स होंगे, यानी 3 प्रश्न हो सकता है। पहला प्रश्न कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे, दूसरा प्रश्न इसका वैल्यू क्या होगा इक्वल टू वाट, और तीसरा प्रश्न यह पूछेगा कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे, यानी डायरेक्टली वो वैल्यू को भी पूछ रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, मेथड बिल्कुल यही है, इस यही फंडामेंटल कंसेप्ट को लेकर चले गए। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, हमेशा बेस को 2 में लाएंगे और ये हो गया 6। इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर और ये हो गया 9। तो आप देखिएगा ये हो जाएगा 2 का पावर 18 और ये हो जाएगा 5 का पावर 18, यानी इसके अंत में 18 जीरो होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power 18, अंत में 18 शून्य होंगे। अगर प्रोडक्ट पूछेगा कितना होगा, तो प्रोडक्ट होगा 10 to the power 18, यानी ऐसे 18 बार शून्य लिखने होंगे, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। जीरो कितने होंगे? 18 zeros होंगे, जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था। पूछेगा संख्या कितनी होगी, तो संख्या देखिएगा शून्य की संख्या 18 होगी। आप यहां देखिएगा जैसे यहां पर पावर 1 है, तो 1 शून्य है, ठीक है, तो अंक कितने होंगे? 2। यहां पर देखिएगा पावर 2 है, तो 0 2 है, अंक कितने होंगे? 3, ठीक है, यहां पर 3 अंक है, ठीक है, यहां पर 3 शून्य हो गया, 3 पावर है, अंक कितने हो गए? 4। पावर जब तक सेम है तो यहां पर हम लोग अंक लिख सकते हैं 19 डिजिट्स। डिजिट्स कितने होंगे? 19। तो 3 प्रश्नों का 3 उत्तर,
पहला केस का प्रोडक्ट कितना आएगा इक्वल टू व्हाट, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। कितने जीरो आएंगे, 18 जीरो आएंगे। अब इसको ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, 18 बार शून्य है तो मूर्खता होगी, तो हम लोग देखेंगे यहां पर 10 टू द पावर 18 या 18 जीरो डिजिट्स कितने आएंगे, तो 18 शून्य और 1 कितना हो गया 20। एक और सवाल को आप देख लीजिए, आप जैसे यहां 2 का पावर 12 है और यहां 5 का पावर 8 है। अब यहां पर ठीक है मिनिमम अगर पावर हम लोग लेते हैं तो मिनिमम पावर कितना होगा 8, तो शून्य की संख्या 8 बोल सकते हैं, परंतु प्रोडक्ट क्या होगा तो इसको हम थोड़ा अपने तरह से तोड़ देंगे। 2 का पावर 4 गुणे 2 का पावर 8, 5 का पावर 8। आप बोल सकते थे कि सर यहां पर पावर तो मैच कर सर रहा है 18 18, लेकिन यहां तो पावर मैच नहीं किया, यहां 12 था और यहां 8 था, मैच नहीं किया, तो हम लोग मैच कराने की कोशिश करेंगे। ये देखो 2 का पावर 8, 5 का पावर 8 मैच हो गया, तो 12 में से जो 8 यहां चल गया बच गया यहां 2 का पावर 4। अब हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 16 होता है और यहां पर 8। अगर पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि यहां पर 8 शून्य होंगे, पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो 16 × 10⁸, यानी 16 के बाद 8 शून्य होंगे, 16 के बाद 8 शून्य होंगे। पूछेगा कितने जीरो होंगे, तो जीरो की संख्या 8 हो जाएगी, जीरो की संख्या 8 हो जाएगी। पूछेगा डिजिट्स कितने होंगे, तो यहां पर 8 और 16 का अगर 1 का 16 के साथ गुणा हो जाएगा, जैसे 8 और 1 यहां केवल यही रहता तो 9 लेते, लेकिन 1 का अगर 16 के साथ गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 शून्य और 16 में 2 डिजिट यानी 10 डिजिट्स। यहां डिजिट्स की संख्या, यहां पर डिजिट्स की संख्या 10 हो जाएगी, 8 शून्य के लिए और 2 16 के लिए। अगर आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर 8 और 1 9, तो इसलिए नहीं था, देखिए यहां पर कुछ नहीं था, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था, अगर है तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर 16 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर भी बेस सेम नहीं है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो एकदम डेफिनेटली आप तुरंत आंसर दे सकते हैं विद इन अ सेकंड कि यहां पर शून्य की संख्या 10 होगी, क्योंकि मिनिमम पावर 10 है, जैसे यहां पर शून्य की संख्या 8 थी। लेकिन अगर हम लोग तोड़ने जाए तो यहां 2 का पावर 10 और 5 का पावर 10 ले लेते हैं और यहां 5 का पावर 2, 10 और 2 12। यहां पर देखिएगा 2 अधिक था, यहां पर मैंने 5 को अधिक रखा है ताकि हर तरीके से आपको सवाल बता दूं। एक तरीका था कि दोनों का बेस बराबर था, एक था दोनों का बेस बराबर नहीं था तो 2 का अधिक था, यहां भी दोनों का बेस बराबर नहीं है तो 5 का अधिक है। अब देखिए यहां पर बोल सकते हैं बेस बराबर हो गया, यानी शून्य की संख्या 10 हो गई, 5 का स्क्वायर 25 होगा। लिखने का तरीका ये होगा ये, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट पूछेगा इक्वल टू व्हाट, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा 25 गुणे 10 का पावर 10, यानी 25 के बाद 10 शून्य होंगे। अगर पूछेगा जीरोस की संख्या कितनी हो गई, तो 10 जीरोस, बिल्कुल 7 नंबर इस सवाल को मैं आगे लेकर चल रहा हूं। और पूछेगा कितने डिजिट हो गए, तो 10 डिजिट यहां हो गए और 2 डिजिट यहां हो गया, तो डिजिट की संख्या हो गई 12, डिजिट्स हो गए 12। तो अब जाकर 7 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, पहले 7 कंप्लीट था लेकिन कुछ मुझे कमी दिखाई दे रही थी। मैं चाहता हूं कि मुझे जितना ज्ञान है मैं अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स में बांट दूं, तभी तो ज्ञान आगे बढ़ेगा। आप किसी और को सिखाएंगे, अपने छोटे भाई बहन को, अपने भतीजे को, किसी ना किसी पड़ोस को, तो वह दूसरे के पास फैलेगा। तो मुझे लगा ट्रेंड देखकर कि ये कुछ नया हो रहा है और ये काफी पूछा जा रहा है, 3 तरीके से प्रश्न मैंने आपको सिखाया, तो ये 7 है। अब हम लोग 8 की तरफ मूव करते हैं और ये आखिरी पड़ाव है नंबर सिस्टम में काउंटिंग ऑफ जीरोस का। चलिए अब नंबर सिस्टम के अंतिम पड़ाव काउंटिंग ऑफ जीरोस, ये अंतिम क्लास भी है
और इस टॉपिक का अंतिम टाइप भी है। इसके बाद नंबर सिस्टम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और भविष्य में अगर कुछ ऐसा प्रावधान उत्पन्न होता है तो इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, लेकिन जितना अभी तक मैंने आपको बताया मोर देन एनफ है। तो अंतिम टाइप है टाइप 8। इसमें मैं आपको कुछ नया चीज सिखाने जाऊंगा, कुछ बेहतरीन। अभी तक आपने जितना सीखा है कुछ उससे भी बेहतरीन। और इसके बाद ये काउंटिंग ऑफ जीरोस यानी जो जीरो ट्रेडिंग के भी नाम से जाना जाता है ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है 1 × 3 × 5 × 7 × …99। यानी आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते 99 तक गया है। आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी इनके प्रोडक्ट के अंत में। तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना होगा नो जीरो, इनमें शून्य की संख्या एक भी नहीं होगी। आप बोलिए सर क्यों? क्योंकि शून्य के लिए जैसे मैंने आपको टाइप 7 में बताया कि शून्य के लिए क्या होना जरूरी है, 2 और 5 का, 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं, यानी इवन नंबर और एक 5 मल्टीप्लाई होते हैं तभी शून्य की सृष्टि होती है एंड प्रोडक्ट के रूप में। आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 5 में 5 है, 15 में 5 है, 25 में 5 है, 35 में 5 है, यहां तक कि 95 तक में 5 मिलेगा। लेकिन चूंकि यह ऑड नंबर का सीरीज है इसलिए इसमें 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर की अनुपस्थिति के वजह से इसमें शून्य की संख्या 0 होगी। अब अगर यहां 199 के जगह अगर मैं 199 कर दूं या 999 भी कर दूं तो भी शून्य की संख्या वही की वही रह जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा 500 तक यानी 499 कर दूं, 100 तक कर दूं, 1000 तक कर दूं, 500 तक कर दूं तो भी शून्य की संख्या 0 रहेगी, अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक भी इवन नंबर नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर सवाल को देखेंगे, ये 2, 4, 6, 8 ये 100 तक गया है, इस ये इवन नंबर का सीरीज है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर है अगर उनका प्रोडक्ट निकाला जाए, अगर उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो प्रोडक्ट के अंत में कितने शून्य होंगे? 100 क्या यहां 200 तक, 200 क्या 500 तक पूछ सकता है, पूछने दीजिए। तो सबसे पहले यह आपको जानना है कि 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको ठीक है पिछले क्लास में समझा दिया कि आधे इवन होते हैं और आधा और होते हैं। तो इवन नंबर आपको मिलेगा 50, वही बेस ठीक है ना, बेस पे चलेंगे यानी टाइप 1, इससे डिवाइड कीजिए 10, फिर 10 को डिवाइड कीजिए 5 से 2, यानी टोटल हो जाएगा 10+2 यानी 12, 10+2 यानी 12, ऐसे हम लोग करेंगे। उसी तरह से अगर आपको पूछेगा 1 से लेकर 200 तक जितने भी इवन नंबर्स है उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप यहां तक देखिए इवन नंबर्स की संख्या हो जाएगी 100, क्योंकि 100 ऑड होंगे, 100 इवन संख्या होंगे और 100 ऑड। तो सबसे पहले 100 को भाग देते हैं, 100/5 ये हो जाएगा 20, 20/5 ये हो जाएगा 4, यानी 20 और 4 24। यानी यहां पर अगर इन सब का प्रोडक्ट निकाला जाए तो अंत में 24 शून्य होंगे। ये बेहद आसान था, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा। ये क्या 5 × 10 × 15 × ऐसे होते होते 85 हो गया है, ठीक है। अब यहां पर ये सब थ्योरी या टाइप 1 वाली थ्योरी नहीं लगाएंगे। अब आपको यहां पर दो हिस्सों में जांचना है, एक हिस्सा में 2 का कितना पावर निकल कर आ रहा है और दूसरे हिस्से में 5 का कितना पावर निकल कर आ रहा है। जो मिनिमम पावर होगा वही आपका आंसर होगा, जैसे कि मैंने पैटर्न टाइप 7 में आपको सिखाया था। मिनिमम पावर यानी 2 की संख्या कितनी होगी और 5 की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहां पर 5 1 है, 10 में
एक पांच छिपा हुआ है, 15 में एक पांच छिपा हुआ है, 20 में भी एक पांच छिपा हुआ है, लेकिन 25 में दो छिपा हुआ है, ऐसे 50 में दो छिपा हुआ है, ऐसे कहां तक आप जाइएगा? एक आसान तरीका बता रहा हूं, वही आप 85 को 5 से डिवाइड कीजिए, आएगा 17, 17 को 5 से डिवाइड कीजिए, आएगा 3, 5 के 15, यानी आपको 5 की संख्या 20 मिल गई, 5 की संख्या 20 मिल गई। अब आपको 2 की संख्या देखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 20, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 20। अब आपको यह देखना है कि 2 का पावर कितना आ रहा है, और जो मिनिमम होगा दैट शुड बी योर आंसर। 2 के लिए देखेंगे, आप देखेंगे इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 2 है, फिर 15 में नहीं होगा, फिर 20 में होगा, फिर 25 में नहीं होगा, फिर 30 में होगा, फिर 35 में नहीं होगा, फिर आपको मिलेगा 40 में। लेकिन 40 में आपको कितने दो हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी उसमें 4 दो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे दो आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए एक आसान तरीका है, 85 को पहले 5 से भाग दे देते हैं, यानी 17, और 2 की संख्या निकालना, 85 को 5 से देख लेते हैं 17, अब 2 से निकालते हैं, 2 × 8 = 16, फिर 8 को भाग देते हैं 2 से, 2 × 4 = 8, फिर 4 को भाग देते हैं 2 से, 2, फिर 2 को भाग देते हैं 2 से, 2 × 1, ऐसे चला गया। जब तक ये 2 से छोटा ना आए, जैसे 5 से भाग देने का नियम वैसे 2, लेकिन एक काम आपको कर लेना, 5 से 85 को भाग देना, यानी 17 अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे? 17। तो 17 को 2 से भाग दिए 2 × 8 = 16, 8 को 2 से भाग दिए 4, 2 से 4 को भाग दिए 2, 2 से 2 को भाग दिए 1, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 14 × 1 = 15। तो यहां पर 2 का पावर आपको मिला 15। तो आप देख सकते हैं 5 का पावर 20 है और 2 का पावर 15 है, तो मिनिमम नंबर क्या है? 15। तो शून्य की संख्या 15 जीरोस, ये आपका आंसर हो जाएगा, 15 जीरोस, जो कब होगा? यहां पर एक्चुअली इसमें भी लागू हो रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इवन नंबर है, प्रत्येक नंबर में 2 छिपा हुआ है, प्रत्येक नंबर में, तो मिनिमम जो होता है उसी को लेकर चलते, तो यहां पर मिनिमम 5 ही आएगा, यहां पर भी मिनिमम 5 ही आएगा, और यहां पर तो ठीक है ना, कभी भी शून्य आ ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग इस दोनों सवाल में मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 5 लेकर चलना है, क्यों? क्योंकि 2 हर एक में आपको मिलते जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 को आपको जांचना है, यहाँ पर 5 की संख्या 20 आई और 2 की संख्या 15 आई, तो आंसर हो जाएगा 15 जीरो। इसको देख लेते हैं, देखो इसमें एक 5 होगा, इसमें एक 5 होगा, इसमें 5, ऐसे करते करते सीधे देखेंगे 500 को डिवाइड करेंगे 5 से, 100 बार में जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे पुनः 5 से 20 बार में जाएगा, 20 को डिवाइड करेंगे पुनः 5 से 4 बार में जाएगा, 124। यानी आप बोल सकते हैं 5 कितनी बार आएगा? 124। हाँ, एक क्वेश्चन और अभी अभी मेरे दिमाग में, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें कितने 5 होंगे, तो आप बोल सकते हैं 124। जैसे इसमें पूछ सकता है इसमें कितने 5 होंगे, तो आप बोल सकते हैं 20। इसमें कितने 2 होंगे, तो आप बोल सकते हैं 15। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब अगर 2 को निकालना जाए तो 500 को पहले 5 से भाग दीजिए, 500 को पहले 5 से भाग दीजिए, जैसे 85 को 5 से भाग दिए थे 17, तो उसी तरह से 500 को 5 से भाग दीजिए 100 आएगा, 100 को अब आप 2 से भाग दीजिए 50, फिर 50 को आप 2 से भाग दीजिए 25, फिर 25 को आप 2 से भाग दे दीजिए 12, फिर 12 को आप 2 से भाग दे दीजिए 6, फिर 6 को आप 2 से भाग दे दीजिए 3, फिर 3 को 2 से भाग दे दीजिए 1, जोड़ लीजिए 50 25 75 75 12 87 87 6 93 93 96 97 97, यानी आप बोल सकते हैं 2 का पावर 97 आया। यहां
2 का पावर 97 आया, इसलिए मिनिमम 97 है, तो शून्य की संख्या 97 जीरोस होगा और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे सवाल में आपको, ठीक है, चूंकि ये 20 से शुरू हुए हैं, एक अलग टाइप का सीक्वेंस है, 5, 10, 15 ऐसे अलग टाइप का सीक्वेंस है, तो इसमें 5 और 2 की संख्या आपको निकालना ही पड़ेगा और देखना होगा मिनिमम पावर क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप और भी अच्छा लगा होगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस नेक्स्ट समय बढ़ते, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक अच्छा होने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कि काउंटिंग्स ऑफ जीरोस हम लोगों ने 8 स्टेजेस में कंप्लीट किया, और ये इसी उम्मीद के साथ नंबर सिस्टम के क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं कि आपके सर आपको सारे क्लास अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, भूल जाइएगा, नए को देखिएगा, नए वीडियो में वो कमी को हम लोग जरूर अवश्य पूरा करेंगे, कमेंट में लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखिएगा, तब तक के लिए